संदेश राहुल जी ने दिया है और इस कार्यक्रम के तहत पूरे हिंदुस्तान में सभी कांग्रेस जन पदयात्रा पे निकलेंगे। इसी कार्यक्रम के तहत दिनांक 5 तारीख को बिहार का पदयात्रा आरंभ होना है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बिहार भाका के मंदार पर्वत से, जहां से पदयात्रा बिहार का आरंभ होना है, पहले आम सभा को संबोधन करेंगे और वहां से यात्रा आरंभ की जाएगी। और उस दिन की यात्रा 7.5 किलोमीटर का ही मात्र है, उसके बाद नेक्स्ट डे 19 किलोमीटर 22 किलोमीटर इस तरह की रफ्तार से ये कंटिन्यू, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि ये यात्रा बिहार में 1200 किलोमीटर होनी है। उसकी सफलता के लिए अररिया जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष के रूप में एवं भारत जोड़ो यात्रा के जिला कोऑर्डिनेटर के रूप में आज ये बैठक मैंने आयोजित की है, जिसमें कि बिहार प्रदेश से 2 पर्यवेक्षक हमारे जिला में दिए गए हैं। उस कार्यक्रम की सफलता के लिए विधायक माननीय इजराहुल हसन साहब और इंतखाबालम ICC प्रतिनिधि जो इस जिला के पर्यवेक्षक हैं, उनकी उपस्थिति में आज तमाम प्रखंड के प्रखंड अध्यक्षों की और प्रखंड पद यात्रा कोऑर्डिनेटरों की आज ये बैठक रखी गई है। आज की बैठक का एक ही मकसद है हमने का कि भारत जोड़ो पदयात्रा चल रहा है अधीन राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, इसको और कामयाब बनाने के लिए बिहार में बांका में एक जगह है, उसका नाम मंदार पर्वत है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी के नेतृत्व में ये हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। और मैं सभी कांग्रेस के अलावा और लोगों से भी मैं दरख्वास्त करता हूँ इस प्रोग्राम को सफल बनाएं। बड़ी बात है कि भारत जोड़ो यात्रा पूरे भारत का जो खास करके आपसी भाईचारगी के लिए, भारत को बचाने के लिए हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल गांधी जी इस सर्दी में भारत को जोड़ने के लिए तैयार है, उसी की कड़ी में बिहार में 5 तारीख से होने जा रहा है जो बांका से